प्रश्न संख्या एक, भारत में सबसे बड़ी हर्बेरियम यहाँ पर स्थित है। आंसर डी कोलकाता। प्रश्न संख्या दो, शताब्दी के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? आंसर बी अशोक चक्र। प्रश्न संख्या तीन, जोसुफ फास्ट ट्रेन में भारत में पहले ब्रेल सिग्नल कोच है? आंसर डी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या चार, भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? आंसर सी चेन्नई। प्रश्न संख्या पांच, कौन सा शहर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है? आंसर डी कोयंबटूर। प्रश्न संख्या छह, संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? आंसर बी विजया लक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या सात, उत्पादन क्षमता से भारत में सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा है? आंसर ए जामनगर रिफाइनरी। प्रश्न संख्या आठ, माउंट के लिए सबसे पहले भारतीय कौन था बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट? आंसर ए फूदोर जी। प्रश्न संख्या नौ, किस वेद में संगीत के बारे में विवरण का उल्लेख है? आंसर डी सामवेद। प्रश्न संख्या दस, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है? आंसर बी वेलेंटाइन चिरोल। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय प्रधानमंत्री को मन की शांति के रूप में भी जाना जाता है? आंसर सी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 12, कौन सा भारतीय शहर ब्रास सिटी नाम से भी जाना जाता है? आंसर डी मुरादाबाद। प्रश्न संख्या 13, मोबाइल ऐप BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी पर आधारित है? आंसर सी एकीकृत भुगतान इंटरफेस। प्रश्न संख्या 14, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के लिए दिया गया है? आंसर डी अंतर्राष्ट्रीय समझना। प्रश्न संख्या 15, जहां सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है? आंसर सी पुणे। प्रश्न संख्या 16, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला विदेशी कौन है? आंसर डी खान अब्दुल गफ्फर खान। प्रश्न संख्या 17, भारत में सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा है? आंसर ए हावड़ा ब्रिज। प्रश्न संख्या 18, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में स्थित है? आंसर बी दार्जिलिंग। प्रश्न संख्या 19, कौन सा भारत है विश्व में भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र? आंसर डी कामोती सौर प्लांट। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस जिले को भारत का झील जिला कहा जाता है? आंसर सी नैनीताल। प्रश्न संख्या 21, भारत में एक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आंसर ए JRD टाटा। प्रश्न संख्या 22, एशिया में सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 23, लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? आंसर बी स्वीडन। प्रश्न संख्या 24, किस किला को भारत में गोल्डन किला के रूप में भी जाना जाता है? आंसर डी जैसलमेर का किला। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में जो भारत में ब्लू क्रांति से संबंधित है? आंसर सी मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या साइलेंट वैली सहेजे आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंसर सी केरल। प्रश्न संख्या 27,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया था? आंसर बी 2005। प्रश्न संख्या 28। सबरीमाला निम्नलिखित राज्यों में स्थित है? आंसर सी केरल। प्रश्न संख्या 29। भारत के किस राज्य में नेपाल, भूटान और चीन जैसे तीन देशों की सीमाएं हैं? आंसर बी सिक्किम। प्रश्न संख्या 30। भारत का सबसे बड़ा मीका उत्पादक राज्य है? आंसर डी आंध्र प्रदेश।